हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक अगेन विद अनदर व्लॉग। मैं रचना राजीव, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज का व्लॉग है, हम कहीं गए नहीं थे, बस एक्चुअली एक इंडियन फैमिली है जो राजीव के मतलब स्टाफ ही हैं एक तरह से, वो दूसरे रेस्टोरेंट के हैं और वो इंडियन ही है, वो चंडीगढ़ से है, तो उनकी भी फैमिली अब आ गई है। तो उनकी फैमिली आई है तो राजीव ने उनको इनवाइट किया था, सो हमने सोचा कि मिलते हैं। और काफ़ी टाइम के बाद ऐसा लगा जैसे हमारे घर पे कोई रिश्तेदार आते हैं या कोई ऐसा नोन आता है, तो ऑब्वियसली हमें अच्छा लगता है। तो हमने उनके लिए क्या क्या अरेंजमेंट किए थे और सारी चीज़ें उनसे भी मिलवाती हूँ मैं आप लोगों को। बहुत सारे क्लिप्स तो मैंने नहीं लिए, बट कुछ कुछ क्लिप्स मैंने लिए। मे बी मुझे लगा शायद वो कम्फर्टेबल ना हो, उन्हें शायद पता भी नहीं चला कि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, तो मैंने सो वीडियो को एंजॉय करो आप। और अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और भी अच्छे अच्छे व्लॉग्स मैं अपलोड करूँगी। सो आप वीडियोस को एंजॉय करो, गो एंड चेक आउट माय वीडियोस। तो यहाँ बन रहा है सोया चाप, और रेडी किया जा रहा है, और यहाँ पनीर ऑलरेडी फ्राई करके ढक कर दिया गया है। और आज के किचन शेफ हैं हमारे राजीव सिंह। सो किसके लिए इतनी सारी तैयारी हो रही है? हाँ, जस्ट लाइक दिस। बताओ बताओ। और यहाँ हो रहा है हमारा सैलेड रेडी। ओएमजी, सीखना पड़ेगा मुझे भी ये सब। This is nice. और यहाँ हो रही है दही भल्ले बनाने की तैयारी। सो अभी मैं ये भी बनाऊंगी। यूके में सोया चाप, वो भी इंडियन इंडियन स्टाइल में। इसको डिप क्यों करते हैं वैसे? सॉफ्टनेस के लिए। थोड़ा और मुझे भी सिखा दो मिस्टर शेफ। मसाला रेडी हो गया आपका, और ये क्या किया है? वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस और प्रोसेस। वर्क इन प्रोग्रेस। आज बन जाएगा? यस। देखते हैं अभी कितने घंटे हुए हैं। मसाला चढ़ाएगा आधे घंटे हुए, मतलब सारे प्रोसेस में स्टार्ट होते हुए। ऑब्वियसली इट टेक्स टाइम, फिर भी टाइम बता दो। एक से डेढ़ घंटा हो गया। टू डिफरेंट डिशेस देखते हैं। दोनों सब्जियों के लिए मसाला रेडी किया। yes. यूज़ आपने ये वाला पता तो गाइस, मिस्टर शेफ बता रहे हैं कि अब मसाला पक चुका है और ये उसका साइन है क्योंकि ऑयल सारे बाहर आ रहे हैं। देखने में तो अच्छा लग रहा है, खाने में भी अच्छा ही लग रहा है। और कितनी देर आपको मसाले पकाने हैं? जितने भी टमाटर पकते हैं मसाले कुछ कितने मतलब हमने पकाने टमाटर टमाटर को ज़्यादा पकाया नहीं जाता। टमाटर डलने का कुछ पकता नहीं है, तो जो भी पकाना है टमाटर से पहले पक जाता है। अच्छा।
राजीव शेफ, आज मतलब अंदर का सारा शेफ बाहर आ गया है. उस दिन मेरा आया था, आज आपका आ गया. वेरी गुड. और कुछ करना चाह रहे हो आप इसमें? रेडी? एनीथिंग एल्स? कोई बात नहीं. ये मटर पनीर की तैयारी चल रही है. घी भी अभी तड़का लगाना है. पूछो मत. आप कौन? मैं पता नहीं कौन. आप कौन? आप कौन? मिस्टर सैम, आप कौन? कौन आप? आप कौन? आप कौन? आप मेरे घर में क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पर टाइम पास कर रहा हूँ. टाइम पास कर रहे हो? आप मेरे घर में क्या कर रहे हो? टाइम पास. आप कौन? कहाँ से आए? मैं 20 साल पुराना. 20 साल पुराना? अभी 7 साल का ही है. नहीं मैं सैम, आपके मुंह में दूध लगा हुआ. हाँ, इतना बड़ा होके दूध पीता है सैम? हाँ, वो भी कॉम्प्लेन डालकर. खुद तो अभी तक पीते हो आप दूध? मैं तो नहीं पीती, मैं तो चाय पीती हूँ. क्यों हल्दी क्यों? आप कौन हो? अच्छा कौन आ रहा है बताओ? मुझे खुद नहीं पता. हाँ. अंकल आ रहे हैं. अंकल पापा के फ्रेंड आ रहे हैं ना. और यहाँ बन रहे हैं दही भल्ले, माय फेवरेट. Rishna is in action now. Rishna is in action. आपके टेबल में भी अच्छे लग रहे हैं देखने में. और ये बनाऊंगी मैं प्याज और आलू के पकौड़े. और यहाँ है प्याज के पकौड़े और दाल के पकौड़े. और यहाँ मैंने उड़द दाल के पकौड़े भी बनाए हैं स्नैक्स के लिए.
और ये है मेरे दही भल्ले। यहाँ बनाया था मैंने पुलाव। और यहाँ सैम ने बहुत मस्ती करी बहुत टाइम के बाद, उसको स्कूल की छुट्टियों के बाद बच्चे मिले तो वो बहुत खुश था, उसने बहुत सारी मस्ती करी घर पे। अभी हम पार्क जा रहे हैं बच्चों को लेकर। घर में मैंने वीडियो नहीं बनाई बिकॉज मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था कि मेरी शायद उन्हें अच्छा ना लगे। मैंने छोटे छोटे से क्लिप बनाई। हम पार्क से वापस आ रहे थे और फुल मस्ती करी बच्चों ने। माई गॉड, मैं सोचती हूँ मेरा सैम शैतान है लेकिन नहीं। एंड इनका नाम था अमनदीप, सॉरी अमनप्रीत। शी वॉज ऑल्सो वेरी क्यूट, बहुत अच्छी थी वो। और अब हम मिलते रहेंगे। सो अब इनके जाने का टाइम हो गया था, ट्रेन की टाइम थी तो हम इनको स्टेशन तक गए थे ड्रॉप करने। बच्चों की मस्ती देखो। फोटो तो क्लिक करके आओ। अच्छा भैया की फोटो वीडियो बना पा रहे सैम। हाय गाइस। अच्छा हाय गाइस, हाय गाइस तो बोल दो। हम अपनी वीडियो भी शुरू हो गए। इसमें वहाँ पे अभी एक यहाँ पे अच्छा आराम से खड़े हो जाओ बेटा, अलग अलग खड़े हो। वेरी गुड वेरी गुड। पीछे फूल ही नहीं है बेचारे के। अच्छा इधर देखो सैम पोज, पोजिंग वेरी गुड। दोनों हाथों से, दोनों हाथों से वेरी गुड। और कौन सा स्टाइल है? ऐसे वाला, ऐसे वाला, ऐसे। हमें बहुत अच्छा लगा। सो मिलेंगे हम फिर बहुत जल्द। आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छे मोमेंट्स थे इसलिए मैंने ये शेयर किया आप लोगों के साथ। जब इंडियंस मिलते हैं तो ऑब्वियसली